जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। नमस्कार, द यूनिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्मित कौर। खबर कुछ इस प्रकार है कि आज विजयदशमी के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मुलाकात आज की गई है, विजयदशमी के दिन की गई है, जिसके चलते ही लोगों में ये जो मुलाकात है ये बहुत चर्चा में है कि आखिर आज का ही दिन क्यों चुना गया इस मुलाकात के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि विजयदशमी का दिन जो होता है ये बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है, और इसी के चलते लोगों के बीच में ये मुलाकात चर्चा में है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में जितनी भी बुराइयां इस वक्त चल रही थी क्या उसका अंत आने वाला है, क्या ये मुलाकात जम्मू कश्मीर में चल रही बुराइयों का अंत दर्शाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी एक बार फिर कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केसर के फूलों का एक बुके जो है वो भी भेंट किया है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहूंगी कि केसर को कश्मीरी भाषा में कोंग पोश कहा जाता है, और इसी का एक जो बुके है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है। जैसा कि हमने आपके साथ तस्वीरें साझा करी और आपने उसमें देखा भी है कि वो भेंट कर रहे हैं वो बुके। उसके साथ साथ अब चर्चा की बात ये है कि ये जो मुलाकात रही है इसमें हुआ क्या है, किन विषयों पर बात की गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जितनी भी चीजें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उसके ऊपर इस पे एक डिस्कशन की गई है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था, ये संकेत दिया था कि जम्मू कश्मीर में जितना भी आतंक चल रहा है उसका अब अंत आने वाला है, जितना भी आतंक है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और उसी के चलते आज ये जो मुलाकात हुई है इसको एक बहुत खास मुलाकात माना जा रहा है। लोग इसको एक खास मुलाकात मान रहे हैं। ये जो मुलाकात है ये विजयदशमी के दिन की गई है, जिसके चलते इस मुलाकात को बहुत खास मुलाकात माना जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मंगलवार के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कस किया है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर को किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चाहे अब वो इम्प्रूवमेंट एजुकेशन सेक्टर के रिलेटेड हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो। ये सारी चीजें जो है आज इस मुलाकात में डिस्कस की गई है। मैं आपके साथ एक बार फिर जो तस्वीरें हैं वो साझा करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी को केसर के फूलों का जो ये बुके है वो प्रदान कर रहे हैं, वो भेंट कर रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ती जा रही है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन टॉपिक्स पे भी जो है इस मुलाकात में डिस्कस किया गया है। और एक तस्वीर हमने आपके साथ साझा कर दी है, एक और तस्वीर जो है वो सूत्रों की तरफ से हमें मिली है, ये भी मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बताना चाहूंगी कि आज मंगलवार के दिन दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, या जो चैलेंजेस जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं उनको कैसे आने से रोकना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी है जम्मू कश्मीर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं ऐसे विषयों पे आज इस मुलाकात में चर्चा की गई है। इस मुलाकात को बहुत खास मुलाकात माना जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूँ श्मित कौर, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सेन के साथ। धन्यवाद।